फ्रेंड्स, जो लोग डिग्री के बाद यानी बीएससी, बीकॉम और बीए के बाद बीएड करना चाहते हैं 2 इयर्स का, उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, क्योंकि बीएड 2024-25 के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। जी हां फ्रेंड्स, बीएड करने के लिए जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स दूंगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई अनदर वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर नए अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने पर आपको सही वक्त में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने क्या इन्फॉर्मेशन अपलोड की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग डिग्री के बाद 2 साल का बीएड कोर्स करना चाहते हैं कर्नाटका में, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ऑनलाइन में एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का जो आखिरी डेट है, यानी द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर बीएड 2024-25 इज 14th नवंबर 2024, यानी 14 नवंबर 2024 आखिरी डेट है। उसके अंदर कैंडिडेट्स बीएड 2024-25 के लिए ऑनलाइन में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को कहां पर सबमिट करना है? तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपको schooleducation.karnataka.nic.in विजिट करना है, वहां पर जाकर इसे अप्लाई करना है। अगर वहां पर आपको लिंक नहीं मिला तो डायरेक्ट किसी भी ब्राउज़र में बीएड 2024 टाइप करें और जो पहला लिंक आता है, जिस तरह से आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उस पहले लिंक पर क्लिक करें तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। वहां पर जाकर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आपके मोबाइल को आएगा, वहां से आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपका SLC मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपका सेकेंडरी PU मार्क्स कार्ड, डिग्री के तमाम मार्क्स कार्ड्स, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका एक सिग्नेचर। इतने तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो आप खुद अपने घर पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो किसी भी नज़दीकी सेवर में जाकर आप बीएड 2024-25 का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। याद रहे कि लास्ट डेट जो है 14 नवंबर 2024 है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप बता दूँ कि डिग्री में आपका परसेंटेज 50 या 50 above होना लाजमी है। अगर 49.9 भी रहा तो आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। 50 या 50 above आपका परसेंटेज है डिग्री में, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, तो आप इस बीएड एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन होकर एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान कुछ डाउट्स आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपके कमेंट का वेट करता हूँ रिप्लाई करने के लिए। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड एप्लीकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार मुझे पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन कब शुरू होगा। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, अब आप ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, उनसे मेरी आजीज़ाना दरख्वास्त है कि पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद देखें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप तक नहीं पहुंच सकता, आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी शेयर करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।